नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। कंप्यूटर सीखें हिंदी में पार्ट 23 मेमोरी युक्तियाँ। प्राथमिक संग्रहण, यह वह युक्तियाँ होती हैं जिसमें डेटा व प्रोग्राम तत्काल प्राप्त एवं संग्रह किए जाते हैं। पहला, रीड राइट मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की यह सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी होती है। इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। साधारण भाषा में इस मेमोरी को रैम कहते हैं। यही कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी कहलाती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक का अर्थ है गतिशील। इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थित रहते हैं। इस रैम में बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाए तो इस खाली स्थान पर आगे वाले आंकड़े खिसक कर नहीं आएंगे। फलस्वरूप यह स्थान तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी मेमोरी को वॉश करके नए सिरे से काम शुरू ना किया जाए। रीड ओनली मेमोरी, आधुनिक कंप्यूटर की महत्वपूर्ण मेमोरी रोम उसे कहते हैं जिसमें लिखे हुए प्रोग्राम के आउटपुट को केवल पढ़ा जा सकता है परंतु उसमें अपना प्रोग्राम संचित नहीं किया जा सकता। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम रोम का उदाहरण है जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों की जांच करने एवं नियंत्रित करने का काम करता है। प्रोग्रामेबल रोम, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। इरेजिबल प्रोम, इस आईसी में संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया ही जा सकता है। फलस्वरूप यह आईसी दोबारा प्रयोग की जा सकती है। इलेक्ट्रिकली ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।